Good morning, children. How are you all? So, today we are going to read another story from your book, The Cat, the Rooster, and the Young Mouse. This is on page number 17. Okay. The Cat, the Rooster, and the Young Mouse. Cat matlab billi, rooster matlab murga, and the young mouse. Young matlab jo jawan hai, mouse yani ki chuha. To in tino ki kahani hai. So let us begin. One day, a little mouse went on a picnic. After he came back, he told his mother about the animals he met. The one I loved the most had soft fur, a lovely tail, and made soft sounds, said the little mouse. Oh no, that was a cat. Cats eat us. Run away when you see a cat, said his mother. Did you see any other animal? Asked his mother. I saw a big animal. It shouted, cock-a-doodle-doo. I was scared, said the little mouse. That was just a rooster, laughed his mother. Okay. So that's the end of the story. Now we are going to read again and understand the story. Okay? One day, a little mouse went on a picnic. Ek din kya hua? Ek chota sa chuha tha. Wo picnic karne ke liye gaya. Picnic yani ki jab hum log ghoomne jaate hain sab milke apne saath khana कुछ टॉयज गेम्स लेके जाते हैं और सब उसको मिलके बाहर किसी पार्क में गार्डन में चिड़ियाघर में उसको बैठ के खाते हैं इंजॉय करते हैं कुछ गेम्स खेलते हैं वो होता है पिकनिक. तो वो अकेले ही पिकनिक पे चला गया. आफ्टर ही केम बैक वापस आने के बाद ही टोल्ड हिज मदर उसने अपनी मम्मी को बताया अबाउट द एनिमल्स ही मेट. रास्ते में उसको कौन कौन से एनिमल्स दिखे और किन किन से वो मिला. द वन आई लव द मोस्ट वो बताना शुरू कर दिया अपनी मम्मी को कि जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया हैड सॉफ्ट फर उसके बहुत नरम नरम से फर थे यानी कि फर यानी कि जानवर के शरीर पे जो लोम होता है जो बाल होता है उसको फर बोलते हैं. ठीक है तो उसके बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल थे. अ लवली टेल और एक बहुत सुंदर सा पूंछ भी था. एंड मेड सॉफ्ट साउंड्स और एकदम मीठी मीठी धीमे धीमे आवाज़ निकालती थी. सेड द लिटिल माउस उसने अपनी मम्मी को ऐसा डिस्क्राइब किया कि उसे पहला जो जानवर मिला था उसके बहुत नरम बाल थे और एक सुंदर सा पूंछ था और बहुत धीरे धीरे वो आवाज़ निकालती थी. तो उसकी मम्मी ने ये सुनकर क्या कहा. ओह नो अरे बाप रे दैट वाज अ कैट. उसकी मम्मी ने उसका डिस्क्रिप्शन सुन के कहा कि बेटा वो तो एक बिल्ली थी. Cats eat us. बिल्ली हमें खा जाती है. हम चूहों को बिल्ली खा जाती है. Run away when you see a cat.
अगर कभी भी तुम्हें ये बिल्ली दिखती है दोबारा, तो वहां से तुरंत भागना है। क्यों? क्योंकि बिल्ली चूहों को खा जाती है। Said his mother, उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा। Did you see any other animal? अच्छा बताओ तो बेटा, इसके अलावा तुम्हें और कोई जानवर दिखा वहां पे? Asked his mother, उसकी मम्मी ने उससे पूछा। I saw a big animal. मैंने एक बहुत बड़ा सा जानवर भी देखा, वो अपनी मम्मी को बता रहा है। It shouted, वो चिल्ला रहा था। कैसे चिल्ला रहा था? Cock-a-doodle-doo. मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ुकू। तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे बहुत बड़ा सा जानवर दिखा। हालांकि मुर्गा बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उस छोटे से चूहे के कंपैरिजन में वो काफी बड़ा था। और वो क्या कह रहा था? I was scared. मैं उसकी आवाज सुनकर बहुत डर गया, said the little mouse. उसने अपनी मम्मी को बताया। That was just a rooster, laughed his mother. उसकी मम्मी ने उसका डिस्क्रिप्शन सुनते हुए हंसते हंसते उसको कहा कि अरे उससे घबराने वाली कोई बात नहीं, भले ही वो एक बड़ा जानवर था, भले ही उसका आवाज मीठा नहीं था, रफ आवाज था, लेकिन वो तो एक मुर्गा था, उससे डरने का कुछ नहीं है। ओके, सो दैट वॉज इट। तो वॉट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन? इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, क्या पता चला? कि पहले उस छोटे से चूहे को, उसकी मुलाकात पहले किससे हुई? एक सुंदर दिखने वाले, मीठे आवाज निकालने वाले एक जानवर से हुई, लेकिन वो जानवर उसके लिए हानिकारक था, खतरनाक था। और दूसरा, उसकी मुलाकात एक बड़े जानवर से हुई जो दिखने में और ना ही जिसकी आवाज पहले वाले जानवर जितनी मीठी थी, लेकिन वो उसके लिए हानिकारक नहीं था। ओके, तो हर वो सुंदर दिखने वाली चीज या हर वो अच्छी दिखने वाली चीज हमारे लिए अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। तो जब भी हमें समझ में नहीं आएगा, हम किससे पूछेंगे? अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि क्या ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, सही गाइड करेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज रीड द स्टोरी, प्रैक्टिस रीडिंग द स्टोरी, द कैट, द रूस्टर एंड द यंग माउस। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।